गर्ल्स, तुम्हारे सोलमेट की तरफ से उनका लिखा हुआ लेटर अब यहाँ आ चुका है। ईशा, ये लो, ये तुम्हारा लेटर है। यस। और चिंकी, ये वाला लेटर तुम्हारे सोलमेट की तरफ से है। ओह, मेनी मेनी थैंक्स मदर। मदर, क्या मेरे लिए भी कोई लेटर आया है? यस डियर, तुम्हारे लिए भी एक लेटर है मेरे पास। ये लो, ये रहा तुम्हारा लेटर। पर ये तो खाली है। हाँ, जैसा कि मुझे पता था। आपके कहने का मतलब क्या है? मदर का कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जो तुमसे प्यार करता है वो है कोई भी नहीं। जरूर इस लेटर को भेजते वक्त कोई गलती हो गई। देखी ना, इस एनवेलप पर कोई स्टैम्प तक नहीं है। ये लेटर खुद कैंग ने अपनी देख रेख में भिजवाई है। क्या तुम उनकी अथॉरिटीज पर सवाल उठा रही हो? नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस एनवेलप में कोई लेटर जरूर होना चाहिए, खाली तो नहीं रह सकता ना। वेल मदर, आपके पास मिंकी के लिए कुछ है ना? ओ हाँ चिंकी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास मिंकी के लिए कुछ है। ये क्या है? ये उन कामों की लिस्ट है जो आज के दिन तुम्हें करने हैं। और याद रहे, जब तक तुम अपने सारे काम को कंप्लीट नहीं कर लेती तुम कुछ भी खा नहीं सकती हो। तो तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम अब उठकर अपने काम पर लग जाओ। ओह शिट, इस गार्बेज बैग को भी अभी फटना था। अब मुझे पूरे फर्श की सफाई फिर से करनी पड़ेगी। हाँ, ये क्या है? ये तो मेरा लेटर है। इसका मतलब है कि मदर ने जानबूझ के इसे यहाँ कचरे में फेंक दिया। इस पर तो रॉयल स्टैंप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मेरा लेटर प्रिंस की तरफ से है। टू माय डियर सोलमेट, मैं बेसब्री से तुम्हारा मेरी रॉयल विक्ट्री पार्टी में आने का इंतजार कर रहा हूँ। योर सिंसियरली प्रिंस कबीर। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि प्रिंस मेरे सोलमेट हैं, पर इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और मेरे सोलमेट के लेटर में लिखा था कि वो जल्दी लंदन से यहाँ मुझसे मिलने आएगा। मेरे सोलमेट का नाम जंग बहादुर है। मेरा सोलमेट तो एक माफिया है। उसने अपने लेटर में लिखा था कि वो जल्दी अपनी प्राइवेट जेट से मुझे वर्ल्ड टूर करवाएगा। इसका मतलब है कि मेरा सोलमेट तो काफी रिच है। अब मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताऊंगी। और मेरे सोलमेट का नाम राहुल है। ओ मिंकी, तुम्हारे सोलमेट के लेटर में क्या लिखा था? बात यह है कि जिस एनवेलप में मेरे सोलमेट का लेटर आया था वो खाली था। ओ माय गॉड मिंकी, इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा कोई सोलमेट है ही नहीं, या फिर अब तुम्हारा सोलमेट इस दुनिया में नहीं रहा। आशा, मेरे सोलमेट के बारे में ऐसे मत बोलो। जब तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। पहले तुम खुद तो पता कर लो कि वो कौन है। हाय मिंकी। ओ हेलो रानी इंदुमती। तो क्या तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का लेटर मिल गया? वैसे तो रानी इंदुमती दिल की बहुत अच्छी है, पर अगर मैंने इन्हें बता दिया कि इनका भाई प्रिंस कबीर मेरा सोलमेट है तो ये बात पूरे शहर में फैल जाएगी। और इससे पहले कि मैं प्रिंस से मिल पाऊँ, मेरी मदर किसी न किसी तरीके से मुझे प्रिंस तक पहुँचने से रोक देंगी। मिंकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ रानी इंदुमती, मैं ठीक हूँ। मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का लेटर मिल गया? हाँ, वो मेरा लेटर वो मेरे सोलमेट की तरफ से एक एनवेलप आया तो था, पर उसमें कोई लेटर नहीं था। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें तुम्हारे सोलमेट की तरफ से एक एनवेलप मिला है तो उसमें एक लेटर भी जरूर होना चाहिए। हाँ, मैं भी ये जान के हैरान थी। हो सकता है लेटर भेजते वक्त तुम्हारे सोलमेट से कोई गलती हो गई होगी। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा लेटर फिर से जरूर भेजा जाएगा। गर्ल्स, जैसा कि तुम सबको पता है, आज रात प्रिंस की रॉयल विक्ट्री पार्टी है, इसलिए प्रिंस कबीर और रानी इंदुमती चाहते हैं कि तुम सब उनकी इतनी बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनो। तो ध्यान रहे गर्ल्स, आज रात टाइम से पैलेस में पहुंच जाना। रानी इंदुमती, प्रिंस कबीर को उनकी रॉयल विक्ट्री के लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना। तुम्हारा मतलब क्या है विंकी? ये मत कहना कि तुम आज रात की पार्टी में नहीं आने वाली हो। प्रिंस कबीर की खुशी में शामिल होने में मुझे बहुत खुशी होगी रानी इंदुमती, पर बात यह है कि मेरी मदर मुझे पैलेस में आने के लिए परमिशन नहीं देंगी। मुझे इस बात का अफसोस है विंकी। कोई बात नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस विक्ट्री पार्टी को खूब एंजॉय करें और इसे प्रिंस कबीर के लिए यादगार बनाएं। मिंकी, मेरे कप में चाय डालो। यस मैम। मदर, प्रिंस की पार्टी में पहनने के लिए हमारे पास कोई ड्रेस नहीं है, हमें न्यू ड्रेस की जरूरत है। पर तुम लोगों के पास तो इतनी सारी ड्रेसेस है जो तुमने आज तक नहीं पहनी है। इतना सेल्फिश होना भी अच्छी बात नहीं है। क्या कहा तुमने? ओह माय गॉड, अब तो ये गई काम से, मदर इसे छोड़ेंगी नहीं। मिंकी, तुम्हें मदर से माफी मांगनी चाहिए। मदर, मुझे माफी। ये मेरी गलती नहीं थी मदर, प्रिंसेस ईशा ने मुझे धक्का मारा। गौर कहेगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो मेरे साथ, आज रात तुम यही रहने वाली हो। नहीं प्लीज, ऐसा मत करिए, प्लीज दरवाजा खोलिए मदर। हेलो, क्या बाहर कोई है? पिंकी, पिंकी उठो। ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। मेरी फ्रेंड रानी इंदुमती ने कहा कि वो आज रात की पार्टी में तुम्हें वहाँ हर हाल में देखना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए ये लाई हूँ। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, आज पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ किया है और मैं ये देख के बहुत खुश हूँ।
ये लो मुझे तुम्हारे रियल सोलमेट का लेटर मिल गया है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि प्रिंस की विक्ट्री पार्टी पोस्टपोन हो गई है। अब उनकी विक्ट्री पार्टी कल होगी और साथ ही साथ कल एनुअल सोलमेट सेलिब्रेशन डे भी है जहाँ हम सब अपने सोलमेट से पहली बार मिलेंगे। तुम्हें भी वहाँ जरूर आना चाहिए। मैं भी वहाँ जाना बहुत पसंद करूंगी पर आपकी मदर मुझे वहाँ जाने के लिए कभी अलाउ नहीं करेंगी। हाँ मुझे पता है इसलिए तुम्हें घर से चुपके से बताने के लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या सच में? हाँ तब तक मैं तुम्हारा लेटर अपने पास संभाल कर रखूंगी। बस कुछ ही घंटों में मदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी। ओके बाय। प्रिंसेस ईशा गुड मॉर्निंग मिकी। आई होप तुमने यहाँ रात भर रह के सीख ले ली होगी। तो ठीक है अब चलो मेरे साथ। प्रिंसेस ईशा तुमसे बात करना चाहती है। ओह माय गॉड मिकी ये ड्रेस तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच प्रिंसेस ईशा पर क्या मुझे मेरा सोलमेट का लेटर वापस मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं ये लो। फेट ये मेरे सोलमेट लेटर का स्टेटस स्टोलन क्यों बता रहा है? क्या तुम्हारा लेटर तुम्हारे पास ही है? जरूर कोई ग्लिच होगा। हाँ मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो पर क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग मुझे इस स्टेटस के साथ एनुअल सोलमेट सेलिब्रेशन पार्टी में एंट्री करने देंगे? ओफो मिंकी तुम्हें पता है ना तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे सिवा कोई और नहीं देख सकता। मिंकी तुम कहाँ हो? मिंकी मेरी बात ध्यान से सुनो तुम्हें इस लेटर को संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इसे अपने सोलमेट को दिखाना होगा ये प्रूफ करने के लिए कि तुम उसकी मैच हो। ठीक है अब चलो मेरे साथ। ओके बाय मिंकी पार्टी में मजे करना। ओह नो आई एम सो सॉरी मिस आप ठीक तो है ना? आप तो मैं प्रिंस कबीर हूँ प्लीज एक्सक्यूज मी मैं बस अपने सोलमेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिंस रुक जाइए मुझे लगता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ही आपकी सोलमेट हूँ। क्या तुम मेरी सोलमेट हो? हाँ क्या आप मेरा लेटर देखना चाहते हैं? नहीं उसी कोई जरूरत नहीं है ये लेटर वगैरह का आइडिया सिर्फ मेरे फादर का था। सच कहूँ तो ये सब चीजें मुझे बहुत फालतू की लगती है। हाँ मुझे भी यही लगता है कि अगर कोई आपके लिए सही है तो आपको बस पता चल जाता है कि वही आपका सोलमेट है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। प्रिंस कबीर प्लीज मेरे साथ डांस कर लीजिए। नहीं नहीं मेरे साथ नहीं चुड़ैल कहेगी वो मेरे साथ डांस करेंगे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल के कहीं और चलना चाहिए जहाँ थोड़ी शांति हो। हाँ मेरे साथ आओ इस तरफ। तो मिंकी तुम अपने खाली समय में फन के लिए क्या करती हो? फन? हाँ मेरा मतलब है जब तुम बोर होती हो तो तुम्हें क्या करना पसंद है? सच कहूँ तो मेरे पास जल्दी फ्री टाइम या बोर होने का टाइम नहीं होता। मेरी मदर वो काफी स्ट्रिक्ट है। मेरे फादर भी वो मुझे कभी कैसल से बाहर नहीं जाने देते। पर आपको तो अपने किंगडम की सैर करने की इजाजत होनी चाहिए। मैंने भी अपने फादर को यही बात समझाने की बहुत कोशिश करी पर वो मेरी कभी सुनते ही नहीं। मेरी माता भी मुझे कभी नहीं सुनती। ऐसा कैसा हो सकता है आखिर तुम जैसे इतनी भोली और प्यारी लड़की के साथ कोई स्ट्रिक्ट कैसे हो? योर मैजेस्टी ये रही वो यही वो लड़की है। ईशा हैरान होने का नाटक मत करो। क्या तुम इसे जानती हो? नहीं पर ये मुझे जानती है योर मैजेस्टी मैं तो इससे दूर रहती हूँ। ईशा तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये लड़की दावा कर रही है कि तुमने अपने सोलमेट के बारे में झूठ बोला है। ये सच नहीं है मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। अच्छा मेरा भरोसा करिए प्रिंस की सोलमेट मैं ही हूँ। मेरे पास ये प्रूफ है आप मेरा लेटर देख सकते हैं योर मैजेस्टी। उस एनवेलप में जो लेटर है वो प्रिंस की तरफ से नहीं है। हाँ किंग ने बिल्कुल सही कहा और प्रिंस का लेटर इसके पास आएगा भी कैसे क्योंकि प्रिंस का लेटर यानी कि मेरे सोलमेट का लेटर मेरे पास है ये देखिए। तुमने हमारे लेटर्स को बदल दिया आखिर ये सब हो क्या रहा है? प्रिंस ये लड़की मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ईशा झूठ बोल रही है प्रिंस ये लेटर मुझे ही आया था। योर मैजेस्टी इसकी बात मत सुनिए आप दोनों को फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं ये है जो आप सबको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है प्लीज मेरा यकीन करिए। बस बहुत हुआ अब से तुम हमारे कैद खाने में बंद रहोगी। फादर नहीं प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बच के भाग जाओ। और योर मैजेस्टी गॉड्स पकड़ लो इसे। नहीं प्लीज रुक जाइए। बिल्कुल सीधा खड़ी हो जाओ। क्या ये सच है कि तुम मेरे बेटे से उससे झूठ बोलकर उसे फंसा रही थी? नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। थैंक गॉड किंग आपने इसे पकड़ लिया। क्या तुम इसे जानती हो? हाँ किंग ये मेरी सर्वेंट है। मिंकी कोई सर्वेंट नहीं है ना मिंकी? मिंकी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सच तो यही है कि मैं एक मेड हूँ पर ये मेरी मजबूरी है। तुम कहना क्या चाहती हो? ये औरत मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। इन्होंने मेरे फादर से शादी की और उन्हें जहर दे के मार दिया ताकि ये उनकी प्रॉपर्टी और पैसों की मालकिन बन सके। ये झूठ बोल रही है मैं ऐसा क्यों करूंगी? इन्होंने ऐसा किया है और तो और ये और इनकी डॉटर्स मुझे फोर्स करती है घर के सारे काम करने के लिए। और ये लोग मुझसे कहते हैं कि अगर मैं इनकी बात नहीं सुनी या इनके अगेंस्ट गए तो ये लोग मुझे मेरे फादर के मर्डर केस में फंसा देंगी। क्या हम तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं करते? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसका यकीन करूं। मुझे पता है कि सच क्या है फादर। शानी तो मती चिंता मत करो मिंकी अब मैं आ गई हूँ। फादर मैं मिंकी को बचपन से जानती हूँ हम दोनों साथ पढ़े हैं। और मिंकी सच कह रही है ये औरत मिंकी की सौतेली माँ ही है। और जितना मैं मिंकी को जानती हूँ वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी कि वो झूठ बोल मेरे भाई को फंसाने की कोशिश करे। वो ऐसी लड़की नहीं है मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर इंदुमती इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस लड़की को प्रिंस का लेटर मिला है हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं इस पर भरोसा करता हूँ मुझे पता है कि मिंकी सच बोल रही है उसकी आंखें बता रही है कि वो बेकसूर है। किंग जरा प्रिंस और रानी इंदुमती को समझाइए इन्हें जरूर बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। प्लीज फादर मैं आज आपसे पहली बार लाइफ में बोल रहा हूँ कि मुझ पर भरोसा करिए प्लीज मेरी बात मान लीजिए। गॉड्स इस लड़की को छोड़ दो और इसकी मदर और इसकी बहनों को पकड़ लो। मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? अगर आपने
रहा था कि ये प्लान वर्क करेगा, पर हम तो फंस गए। गुड मॉर्निंग माय लव, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो। ब्रेकफास्ट बन चुका है मेरे लिए। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे शादी करते वक्त क्या बोला था, कि तुम्हें फिर से कभी सफाई करने का काम या खाना बनाने का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आपके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती प्रिंस, बस मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मैं एक रॉयल प्रिंसेस बनने के लायक हूँ भी या नहीं। तुम बहुत प्रीटी हो मिंकी, और तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लिया था कि आई विश ये लड़की मेरी सोलमेट हो, और ऐसा ही हुआ। सच में? हाँ मिंकी, तुम्हारी ये प्योरनेस ही है जो तुम्हें इस क्राउन को पहनने के लिए मोर देन डिजर्विंग बनाता है।